ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोलन शहर में अतिक्रमण और अवैध निर्माण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। गंज बाजार, लोअर बाजार या शहर के अन्य क्षेत्र के लोगों को नगर परिषद का मानो कोई खौफ ही नहीं है। हर तरफ अवैध निर्माण लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि नगर परिषद के नोटिस के बाद भी अपने अवैध निर्माण जारी रखे हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों में भारी असंतोष देखा जा रहा है। सोलन शहर में अतिक्रमण और अवैध निर्माण लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। गंज बाजार, लोअर बाजार या शहर के अन्य क्षेत्र के लोगों को नगर परिषद का मानो कोई खौफ ही नहीं है। हर तरफ अवैध निर्माण लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वे नगर परिषद के नोटिस के बाद भी अपने अवैध निर्माण जारी रखे हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों में भारी असंतोष देखा जा रहा है। नगर परिषद समय समय पर कार्यवाही अमल में ला रहा है, लेकिन वे अब नाकामी सिद्ध हो रही है। अवैध निर्माण और अतिक्रमण से शहर अब अव्यवस्थित नजर आ रहा है। नालियां चौक हो रही हैं, आवागमन में लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जब इस बारे में कार्यकारी अधिकारी निधि पटेल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नगर परिषद के अधिकारी शहर में समय समय पर दौरा कर रहे हैं, जब भी अवैध निर्माण दिखाई देता हो उस पर सख्त कार्यवाही की जाती है। अवैध निर्माण कार्य करने वालों को नोटिस भी दिए जाते हैं। कईयों का अवैध निर्माण गिराया भी गया है, लेकिन इसके बावजूद भी अवैध निर्माण होता है और अगर उन्हें कोई शिकायत मिलती है तो उस पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और जरूरत पड़ी तो उनके अवैध निर्माण को भी सील किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि जिस पर नगर परिषद मंथन कर रही है कि किन नियमों के तहत उस पर कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कर रखा है या फ्लोर अपने एक्सटेंड कर लिए हैं या फिर पब्लिक पाथवे पे इनक्रोचमेंट कर रखा है, पार्क्स के भी कुछ कंप्लेने हमें मिली हैं और तो उसका हमने संज्ञान लिया है और उसको अलग अलग जो भी हमारे एक्ट हैं और अधिनियम रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हम उस पर एक्शन लेंगे। जैसा होगा फाइन लगाएंगे या फिर डिमोलिशन का ऑर्डर देंगे, सील भी कर सकते हैं। तो हमारे अंतर्गत जो भी पावर्स हमें दी गई हैं उसका हम पूरा इस्तेमाल करते हुए इन सब चीज़ों पे रोकथाम लगाएंगे। फील्ड पे कई जगह पे हमने विजिट किया, हमारे JEE और SDO भी विजिट कर रहे हैं और हम एरियाज आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लोकेट कर रहे हैं और लोग भी बहुत विजिलेंट हो गए, उनकी भी कंप्लेंट्स आ रही हैं तो उस हिसाब से हम स्पॉट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और हम ऑलरेडी उसको स्टडी कर रहे हैं कि किस रूल्स के थ्रू हम उन पर एक्शन लें। एस्थेटिक व्यू से भी बहुत सही नहीं लगता कि जो हमारा प्लान डेवलपमेंट होना चाहिए इनक्रोचमेंट के वजह से वो बहुत हैफजर्ड हो जाता है, तो देखने में भी बहुत ख़राब लगता है। फिर हमारे जो नालियां हैं, रोड्स हैं, उनको भी ऑब्स्ट्रक्ट करता है तो जिसकी वजह से गंदगी फैलती है, सफाई कर्मचारियों को भी दिक्कत होती है और फिर दूसरे भी मोटिवेट होते हैं। कोई एक इनक्रोचमेंट कर रहा होता है तो बाकियों को भी उससे थोड़ी और मोटिवेशन मिलती है कि हम भी कर लें, इसलिए इनक्रोचमेंट पर रोकथाम लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर रोड्स पे आप इनक्रोचमेंट बढ़ाएंगे तो गाड़ियों को भी आवागमन में दिक्कत होगी, ट्रैफिक जाम्स लगेंगे, गलत तरह से कंस्ट्रक्शन करेंगे तो ऑब्वियसली ब्लॉकेज तो हो गई। हम पूरी तरह से इस पर एक्टिव हैं और हम जो भी स्टेप्स हो सकते हैं लेंगे, जो भी पब्लिक को प्रॉब्लम हो रही है उसे दूर करने की पूरी पूरी हमारी कोशिश है और नए साल पर लोगों को यही हमारा मैसेज है कि हम पूरी तरह से एक्टिव हैं और आपकी मदद के लिए तत्पर हैं।